नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है सम्राट। इस बार मैं हूं उत्तराखंड का ईस्टर्न डिवीजन कुमाऊं में। ये एपिसोड में मेरा सफर रहा नैनीताल से रानीखेत होते हुए अल्मोड़ा पहुंचना। लास्ट नाइट मेरा स्टे था होटल माउंटेन लेक नैनीताल में। एक्सपीरियंस वॉज रियली वेरी गुड, स्पेशली होटल स्टाफ्स का कोऑपरेशन, फूड एंड एवरीथिंग। आई वॉज रियली वेरी सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद चेकआउट कर लिए थे अराउंड 10 बजे। मेरा दोस्त भारत रानीखेत का रहने वाला है। भारत ने उसका फ्रेंड सूरज का कांटेक्ट भेजा था कैब सर्विस एंड ट्रिप के लिए। सूरज 10 बजे एग्जैक्ट टाइम पर होटल पर पहुंच गया था हमारा पिकअप करने के लिए। सूरज के साथ फोन में पहले ही बात हो गया था ट्रिप प्लान के बारे में। नैनीताल से अल्मोड़ा का टोटल डिस्टेंस था 65 किलोमीटर। डे टू में हमारा जर्नी कुछ ऐसा था, पहले नैनीताल से कैचीधाम, देन कैचीधाम से रानीखेत, रानीखेत घूम के देन वहां से डायरेक्टली अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में हमारा होटल कॉटेज क्लब ऑलरेडी बुक था। The road journey was really very beautiful, especially surrounding natures and beautiful green trees around the road. कुमाऊं पोर्शन का रोड कंडीशन और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छे कंडीशन में है। कैचीधाम इज अ मस्ट विजिट प्लेस इन कुमाऊं। हम काफी टाइम कैचीधाम का मंदिर और यहाँ का आश्रम में टाइम स्पेंड किए। अंदर फोटो खींचना और इसका रिस्ट्रिक्शन था, तो हम वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी नहीं किए। इसको क्या बोलते हैं? पकोड़ी रायता। पकोड़ी रायता उत्तराखंड का रोड साइड एक दुकान में हम कुमाऊं का स्पेशल ब्रेकफास्ट के लिए। वहां पर पकोड़े रायता का टेस्ट कभी भूल नहीं पाएंगे। हम पहुंच गए रानीखेत अराउंड 1 बजे के आसपास। नैनीताल से रानीखेत का टोटल डिस्टेंस 56 किलोमीटर। समय लगता है 1 से 2 घंटा डिपेंडिंग अपॉन द कर्वी रोड कंडीशन एंड ट्रैफिक। रानीखेत का अल्टीट्यूड 1869 मीटर और ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का एक इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन है। आसमान उतना भी क्लीन नहीं था, सो हम हिमालयस रेंज ठीक से देख नहीं पाए। रानीखेत एक मिलिट्री कैंटोनमेंट एरिया भी है कुमाऊं रेजिमेंट का। हम मिलिट्री म्यूजियम देखे, इट वाज मस्ट विजिट प्लेस। ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन ऑफ फोटोग्राफी हम वहां पे वीडियोग्राफी नहीं किए। रानीखेत में लंच करने के बाद हम लोग निकल पड़े अल्मोड़ा की तरफ। रास्ते में हमको मिले ओक, बुरांस, पाइन, देवदार फॉरेस्ट। सूरज से सुनने में आया कभी कभी वाइल्ड एनिमल्स सच एस लेपर्ड्स, हिमालयन बार्किंग डियर्स, सांबर नजर आ जाते हैं अक्सर। इस दिन अल्मोड़ा में नाइट स्टे था हमारा।
आसमान हेजी के कारण हम हिमालयस का नज़ारा तो देख नहीं पाए, लेकिन अच्छा ब्यूटीफुल नेचर को हम लोग एक्सपीरियंस किए। नेक्स्ट डे हमारा सफर थोड़ा लंबा था क्योंकि हमको जाना था मुंशियारी। सो अगले एपिसोड में मैं अल्मोड़ा से मुंशियारी जाने का रोड जर्नी दिखाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।